हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट व्हाट आर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसका मतलब कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक क्या होता है। सामान्यतः यह पाया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चार टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि उन्हें इन चारों टाइप के सेंटर को डिफाइन करने में मुश्किलें होती है कि कब हमें सर्कम सेंटर मिलेगा, कब हमें इन सेंटर मिलेगा, कब हमें आर्थो सेंटर और कब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की, जिसके बाद आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आगे कभी भी इन चारों टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सर्कम सेंटर से रिलेटेड है तो किस तरह से है, और एंगल बाइसेक्टर अगर इन सेंटर से रिलेटेड है तो किस तरह से रिलेटेड है, इसी तरह से बाकी दोनों के लिए भी। तो आइए, इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक ग्राफिंग कैलकुलेटर पर, जहां पर मैं आपको डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम ग्राफिंग कैलकुलेटर पर आ गए हैं और आपको सामने ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इन सेंटर की। इन सेंटर का मतलब क्या होता है कि कोई सर्कल किसी ट्रायंगल के इन साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाए, इस प्रकार की ट्रायंगल के तीनों साइड सर्कल से टच करे, तो उसके सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब हम इन सेंटर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर और हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है, ये देखेंगे। ध्यान दीजिए कि पहले यहाँ पर जो उस सर्कल का सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, जो कि तीनों ही साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तभी तो तीनों साइड को टच करेगा। तो हम किसी दो साइड को लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर वह पॉइंट है जो ट्रायंगल के साइड ए बी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, डेफिनेटली होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी एंड बी सी के बीच में एंगल बी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। इससे क्या पता चल रहा है, इस बाइसेक्टर से हमें यह पता चल रहा है कि इस बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट साइड ए बी से जितने डिस्टेंस पर होंगे उतने ही डिस्टेंस पर साइड बी सी से भी होंगे। कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो वह पॉइंट जितना BC से दूरी पर होगा उतना ही AB से दूरी पर होगा। इसी तरह से अगर हम एंगल C का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करते हैं तो उस बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होंगे वह साइड AC और साइड BC से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो अगर हम एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो डेफिनेटली कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वह पॉइंट सेंटर होगा उस सर्कल का जो कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड से टच कर रहा हो। तो आइए हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और एंगल ए का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, साथ में सर्कल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर अब देखिए, मैंने इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि वो तीनों बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज लेबल्ड एज पॉइंट डी। और इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है इंटरनली। तो इस तरह से ये सेंटर क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एंड क्योंकि सेंटर से ही सर्कल को ड्रॉ किया गया है, इसलिए इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इन सेंटर की बात। इन सेंटर क्या होता है, सिंपल वे में आप समझ लीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल हो, ऐसा सर्कल जो उस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा हो, तो उस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं और उस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सर्कम सेंटर। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने ट्रायंगल आई जे के रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हम सर्कम सेंटर समझेंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जो कि उस सर्कल का सेंटर है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो। ठीक है,
तो वह सेंटर कहाँ पर होना चाहिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह सर्कल जो सर्कम सर्कल है तीनों ही वर्टेक्स से पास हो रहा है, इसका मतलब कि उसका जो सेंटर होगा वह तीनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जब वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो हम दो वर्टेक्स को लेते हैं पहले। अब ध्यान दीजिए कि जब हम दो वर्टेक्स को लेते हैं तो उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, वह कहीं यहाँ पर होगा या कहीं यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, मतलब कि इस लाइन पर होगा। ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी होगा वह इस तरह से लाइन पर होगा जो I और J दोनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा सेगमेंट IJ का। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सर्कम सेंटर के लिए IJ, IK एंड J के तीनों ही सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो मैंने तीनों ही साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पहले हम साइड का मिड पॉइंट निकालते हैं और उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि उस साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा हो, आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसी तरह से हम तीनों ही साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर शो किए हुए हैं। आपको ध्यान दीजिए कि ये तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप ध्यान देंगे कि वह सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, और इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो अभी दो बातें क्लियर हो गई हैं, पहला इन सेंटर, इन सेंटर यानी कि किसी ट्रायंगल को इंटरनली टच करने वाला एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उस सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं और सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। इसी तरह से हम सर्कम सेंटर के बारे में भी समझ सकते हैं, सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर होता है जो सर्कल ट्रायंगल के वर्टिसेस को वर्टिसेस से पास हो रही हो, ठीक है, और उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो आई होप कि आपको ये दो टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए भी हम ऐसे ही एक ट्रायंगल को पहले कंसीडर करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर को बताने के लिए हमने कंसीडर किया है तीसरा ट्रायंगल PQR को। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में भी जान लेते हैं, ऑर्थो सेंटर को हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है अगर हम इन तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लंब ड्रॉ करें, ठीक है, अपोजिट साइड पर, तो जब ये तीनों ही लंब यानी कि तीनों ही परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे उसे ही हम लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इस केस में कोई ऐसा स्पेशल सर्कल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि पिछले दो केसेस में हुआ। तो यहाँ पर हम कोई सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल हम सेंटर की बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों ही साइड पर अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यानी कि लंब खींच लेते हैं। ये देखिए मैंने वर्टेक्स पी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बट ध्यान दीजिए कि यह परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर नहीं है, तो इसीलिए मैं इस ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड किया हूँ तब तक जब तक कि यह परपेंडिकुलर ड्रॉ ना हो पाए। इसी तरह से दूसरे साइड को भी एक्सटेंड किया गया है कि क्यू से उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जा सके। तो एक्सटेंडेड पार्ट पे मैंने पी एंड क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और वर्टेक्स आर से अपोजिट साइड पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा यह बात कि ये कभी इंटरसेक्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल के अंदर होंगे और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे की ओर। तीनों ही परपेंडिकुलर्स को हम एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में कि वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ही हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा यानी कि ऑर्थो सेंटर मिलेगा। तो हम पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए कि तीनों ही परपेंडिकुलर को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है
कि वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज पॉइंट एस। और इसी पॉइंट एस को ही हम इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो ऑर्थो सेंटर कब फॉर्म होता है? जब हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पर या साइड के एक्सटेंडेड पार्ट पर, और ये तीनों ही साइड के जो परपेंडिकुलर होंगे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर फॉर्म होता है। तो ये हो गई ऑर्थो सेंटर की बात। ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि ऑर्थो सेंटर को हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही है जैसा कि पिछले केस में हुआ था। वहां पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीचों बीच से ड्रॉ किया था तीनों ही साइड के। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से, उसमें वर्टेक्स भी नहीं था। तो आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहले केस में क्या था, ये देखिए, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तीनों ही साइड का, ट्रायंगल के तीनों ही साइड का, जो कि वर्टेक्स से पास होना कंपलसरी नहीं है। कहीं भी वर्टेक्स से नहीं पास हो रही है ये बाइसेक्टर, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही परपेंडिकुलर जो कि अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए हैं, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वह किसी निश्चित डायरेक्शन में एक्सटेंड करे जाए तो, ठीक है। तो इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड के लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो किया है। इसमें जी सेंट्रॉइड है, या इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके लिए बस इतना मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेन प्लेट होगा, जैसा आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है वैसा ही प्लेट होगा, तो उसको अगर आप अपने फिंगर पे, किसी एक फिंगर पे टिकाने की कोशिश करें तो वह डिसबैलेंस होगा, और एक ऐसा सेंटर होगा जहां पर वह बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी कि उसका पूरा का पूरा जो भार है ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर प्लेट का, वह आपके एक फिंगर पर टिक जाएगा। तो उस सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे या सेंट्रॉइड कहते हैं। इसको पता करने के लिए बहुत ही सिंपल, हम तीनों ही साइड का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्स जेड का मिड पॉइंट, एक्स वाई का मिड पॉइंट एंड जेड वाई का मिड पॉइंट। इन तीनों ही मिड पॉइंट से जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। इस तरह से एक ट्रायंगल में तीन मीडियन भी होते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका हिंदी में। तो इसका मतलब कि हमें सेंट्रॉइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेंट्रॉइड का पता करने के लिए ट्रायंगल के तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ करनी होंगी, मीडियंस ड्रॉ करने होंगे। वो तीनों ही एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज पॉइंट जी यहाँ पर। तो इस पॉइंट को ही यहाँ पर हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हम चारों टाइप के सेंटर की बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के और भी हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दिया होगा तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।